अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज की वीडियो में हम करेंगे इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, थर्ड चैप्टर ऑफ टेंथ क्लास का, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। ये वो टॉपिक है जो बच्चे बड़े गौर से समझना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं और ये चीज़ें पूरे चैप्टर में चलनी हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपने बड़े ध्यान से समझना है। मैं गारंटी करता हूँ ये लेक्चर देखने के बाद ये टॉपिक आपको इंतहाई आसान लगेगा और अगले जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो भी आसान लगना शुरू हो जाएंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन, बात होगी हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर फॉर्म्ड, स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनाए जाते हैं, कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ पॉइंट्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो फर्दर पॉइंट्स रह जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, वो पॉइंट्स अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए आज के लेक्चर के साथ। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर्स की बात करने से पहले हम जान लेते हैं वो मिरर जो हम वॉशरूम्स या बाथरूम्स के अंदर यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर बारबर की दुकान पे चले जाएं वहाँ हमें वो मिरर दिखाई देता है, दैट इज़ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा मिरर है? एक ऐसा मिरर है जिसके हम सामने खड़े हों तो हमें बिल्कुल हमारे जैसा इमेज दिखाई देगा। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी उसके सामने खड़ा हो तो उसके जैसा इमेज उसका बना देगा। याद रखिए बच्चों, प्लेन मिरर क्या करता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। आपको आप ही का इमेज उस मिरर के अंदर उतने ही फासले पे दिखाई देगा जितने फासले पे आप मिरर के सामने खड़े हैं। और होगा क्या, वो इन्वर्टेड होगा। अगर आप देखें आपकी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, अगर उसे मिरर में देखें तो वो बिल्कुल उलट दिखाई देगा। इसका मतलब वो वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बना के देता है, दैट इज प्लेन मिरर। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर्स को। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, ये कहां कहां यूज होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं ये बनते कैसे हैं। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या है? अ मिरर हूज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? हूज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, पॉलिश्ड हुई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, वो किसी हॉलो स्फीयर का हिस्सा है। हॉलो अंदर से खाली, उस स्फीयर का हिस्सा है ऑफ ग्लास, और वो स्फीयर किसका हो सकता है, ग्लास का, शीशे का या प्लास्टिक का, उसका जो हिस्सा है दैट इज अ स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। आइए इसको अच्छे से समझते हैं, इस स्टेटमेंट को समझते हैं, इस डेफिनेशन को इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेनेशन के दौरान ही ये आपकी हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर फॉर्म्ड ये भी कवर हो जाएगा। देखिए आपके पास एक स्फीयर है बच्चों। स्फीयर क्या होता है? एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपने देखा होगा फुटबॉल, जैसा कि आपने देखा होगा तरबूज, वाटरमेलन, जैसे आपने देखा होगा किन्नू, मौसम्मी, ये स्फीयर हैं। इनमें से तरबूज, मौसम्मी, किन्नू, ये सारे के सारे फील्ड स्फीयर हैं, अंदर से क्लोजली फील्ड हैं कम्प्लीटली, जबकि अंदर से हॉलो स्फीयर भी होते हैं, जस्ट लाइक अ फुटबॉल, अगर उसके अंदर रबड़ का वो ना हो ब्लैडर तो बाकी टोटली हॉलो है, खाली है अंदर से, जैसा बैलून है, बैलून इज अ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर आपके पास, आपने क्या करना है, उसका एक पीस काटना है, ऐसे जैसे आप मौसम्मी का पीस काटें, बिल्कुल साइड से पीस काटें, यहां से आपने क्या करना है, इसका एक पीस छोटा सा काटना है हॉलो स्फीयर का। और हॉलो स्फीयर किसका है, गिलास का या प्लास्टिक का, उसका आपने एक पीस काटना है छोटा सा। मैंने दो बनाए हैं ताकि मैं आपको ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर भी समझा सकूं साथ। ये आपने इसका एक पार्ट छोटा सा हिस्सा काट लिया, जैसे मैंने कहा मौसम्मी को बिल्कुल साइड से काटें तो एक हिस्सा छोटा सा कटेगा, पार्ट सा कटेगा, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये एक पार्ट मैंने इसका काट लिया। अब जानते हैं कि ये स्फीयर था और इसका सेंटर है,
सेंटर ऑफ सफ़ियर सेंटर था ऑलरेडी मौजूद, सेंटर ऑफ सफ़ियर था। मैंने यहाँ से ये हिस्सा काट लिया, अब मैं क्या करूँ, मैंने सफेरिकल मिरर्स बनाने हैं, कनकेव और कन्वेक्स जो कि दो टाइप हैं सफेरिकल मिरर्स की, वो भी देखते हैं। तो देखिए बच्चों मैं कैसे सफेरिकल मिरर बनाऊँगा। ये मेरा पीस कटने के बाद ये सफेरिकल मिरर नहीं बन गया, ये मैंने पीस काट लिया, मैं अलहदा कर लेता हूँ, ये पीस मैंने काट लिया। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक साइड जो है उसको चूज कर लूँगा, उसको सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर सिल्वर की एक लेयर चढ़ाऊँगा। सिल्वर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ों पे शीट चढ़ाया जाता है सिल्वर, आप सिल्वर की एक लेयर चढ़ाएँगे, सिल्वर की एक पतली सी लेयर चढ़ाएँगे, कोई एक साइड इसकी सेलेक्ट कर लें। मैंने सेलेक्ट कर ली इसकी बाहरी साइड, इसकी बाहरी साइड मैंने सेलेक्ट कर ली, उसके ऊपर मैंने सिल्वर की लेयर चढ़ा दी। अब सिल्वर की लेयर चढ़ाने के बाद इसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड, रेड कलर की लेड ऑक्साइड की क्या करनी है, कोटिंग करनी है। जैसे पेंट नहीं करते, जैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों को पेंट करते हैं, गिलास की चीज़ें हो, फर्नीचर हो, उसे पेंट करते हैं, ऐसे ही रेड लेड ऑक्साइड जो है उसका पेंट करना है। और वजह भी बताता हूँ क्यों ये पेंट किया जाता है। अब मैंने क्या किया, इसकी अंदर वाली साइड शाइनी रहने दी, रिफ्लेक्टिंग रहने दी, जबकि बाहर वाली साइड मैंने क्या किया, सबसे पहले सिल्वर की लेयर चढ़ाई, फिर उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया। अब इसका मतलब बाहर वाली साइड क्या हो गई है, रफ़ हो गई है, रफ़ हो गई है, जबकि अंदर वाली साइड स्मूथ है, शाइनी है, रिफ्लेक्टिंग है, एज अ मिरर है। और ये कौन सा मिरर तैयार हो गया जिसमें अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो, शाइनी हो, और बाहर वाली साइड रफ़ हो, जिसकी वजह कैसे रफ़ हुई, रेड लेड ऑक्साइड के कवर चढ़ाने से, सिल्वर की लेयर चढ़ाने से। इस मिरर का नाम है बच्चों सी, जिस तरह से है, दैट इज़ अ कनकेव मिरर, केव जैसे केव होती है इसी तरह से गार, कनकेव मिरर आपके पास आ गया, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, ये कनकेव मिरर बन गया। सो बच्चों मैं आपको बताता हूँ रेड लेड ऑक्साइड क्यों किया। रेड लेड ऑक्साइड मुख्तलिफ मटीरियल्स के ऊपर, लोहे को, आयरन को, स्टील को, इसी तरह से सिल्वर को रस्टिंग से बचाने के लिए ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे। ये आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, रेड लेड ऑक्साइड, इसकी वजह से बाहरी साइड इसकी रफ हो गई और अंदर वाली साइड स्टिल शाइनी है, रिफ्लेक्टिंग है, मिरर का काम करेगी। अब ये मिरर प्लेन मिरर नहीं है, ये मिरर कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, जिसकी अंदर वाली साइड शाइनी रिफ्लेक्टिंग हो और बाहर वाली साइड उसकी रफ हो, उसे कहते हैं कनकेव मिरर। अब इसकी डेफिनेशन हम साथ ही आपको कवर भी होगी होगी कनकेव की। अब मैं क्या करता हूं, इसी तरह के कोर पोर्शन लेता हूं, उसी सफ़ियर का मैंने एक और पोर्शन डिसाइड किया। अब मैं करता हूँ ये सेंटर ऑफ सफ़ियर है। अब मैंने क्या किया, अब इसमें से इस पीस को मैंने लैदा किया। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर सिल्वर की लेयर चढ़ा देता हूँ, सिल्वर की कोटिंग कर देता हूँ, जैसे हम कोई भी गिफ्ट ले के उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, इसी तरह से इसके ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ा दी और इसके ऊपर क्या कर दिया, रेड लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया। रेड लेड ऑक्साइड का जब पेंट कर दूंगा तो अंदर वाली साइड क्या होगी, रफ हो गई, ये रफ हो गई, ये अब रिफ्लेक्शन नहीं कर सकती, ये आईना नहीं बन सकती, इसका मतलब अंदर वाली साइड क्या हो गई है, रफ, जबकि बाहर वाली साइड क्या है, शाइनी है, स्मूथ है, रिफ्लेक्टिंग है, और वो बाहर वाली साइड आईने का काम करेगी, और ये आईना कौन सा आईना है, कन्वेक्स मिरर। तो साथ में डेफिनेशंस भी हो गई कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, कैसे बनाया हमने सफियर को कनकेव और कन्वेक्स मिरर। सफियर का एक छोटा सा हिस्सा अलहदा करके उसकी बाहरी वाली साइड को अगर रफ कर दिया, रेड लेड ऑक्साइड चढ़ा दिया, सिल्वर चढ़ा दिया, अंदर वाली साइड शाइनी रही, रिफ्लेक्टिंग रही, तो कौन सा मिरर बन गया, कनकेव मिरर। और इसी तरह से अगर उसी सफियर का मैंने छोटा सा पीस लिया और उसको क्या किया, अंदर वाली साइड पे सिल्वर की लेयर कोटिंग की और ऊपर क्या कर दिया, रेड लेड ऑक्साइड उसको रस्टिंग से बचाने के लिए कर दिया, तो अंदर वाली साइड रफ हो गई, ये आईने का काम नहीं दे सकती, बाहर वाली साइड शाइनी है, रिफ्लेक्टिंग है और स्मूथ है, तो ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। सो डेफिनेशंस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर भी क्लियर हो जाएंगी साथ में। क्या डेफिनेशंस हैं, कनकेव मिरर इज अ मिरर, इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो कैसा मिरर है जिसकी अंदरूनी साइड, हूज इंटर
इंटरनल साइड इज शाइनी एंड रिफ्लेक्टिंग, वेयर एट इज आउटर साइड इज रफ, दैट मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर, केव जैसे होती है कनकेव मिरर, जबकि कन्वेक्स इसके बिल्कुल अपोजिट है। अ मिरर अ पार्ट ऑफ स्फीयर जो कैसा हो, जिस हुज इंटरनल साइड इज रफ एंड एक्सटर्नल साइड आउटर साइड इज शाइनी स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, घरों के अंदर आप स्पून यूज करते हैं, स्टील का स्पून यूज करते हैं। अब उस स्टील के स्पून दो मिरर हैं बेसिकली, वो जरा गौर करिएगा, जिस तरफ से हम खाते हैं उससे खाते हैं, वो बेंड हुई हुई शक्ल, वो साइड आप देखिए जरा वो कैसी है, कनकेव की तरह नहीं, कनकेव। इंटरनल साइड जिससे हम खाना भरते हैं, चावल भरते हैं, कुछ भी भरते हैं उससे, वो कौन सी साइड है, वो है कनकेव की तरह, अंदर वाली साइड शाइनी है, दैट इज अ कनकेव मिरर। अगर उसी स्पून को इन्वर्ट करिए, उल्टा करके देखिए, तो वो बाहर वाली साइड शाइनी हो जाएगी, अंदर वाली से गर्जी कोई नहीं हमें, सो अंदर वाली हम क्या समझेंगे, रफ ही समझेंगे, तो बाहर वाली जब शाइनी हो जाएगी, कर्वी साइड शाइनी हो जाएगी, दैट मीन्स दैट मिरर इज कन्वेक्स मिरर। आप देखिएगा आप अपना फेस कनकेव वाली साइड से भी और कन्वेक्स वाली साइड से भी आपको कैसा दिखाई देता है। तो साथ ही मैं बता दूं कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो हैं वो कैसे इमेजेस बनाते हैं, फिर मैं रियल और इन्वर्टेड का फर्क भी बताता हूं। बच्चों याद रहे, कनकेव मिरर जैसे मैंने प्लेन मिरर का कहा था, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज कौन सा है, बिल्कुल आपके जैसा इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। जबकि जो कनकेव मिरर है बच्चों, कनकेव मिरर जिसकी अंदर वाली साइड शाइनी है वो, सो कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है बच्चों, ये दोनों तरह के इमेज बना सकता है, रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। और इसका वर्चुअल इमेज बनाना वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितना दूर है उस पे डिपेंड करता है ये कैसा इमेज बना के देगा, स्फेरिकल मिरर जिसको हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की। जबकि बच्चों कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और याद रहे जब भी वर्चुअल होगा हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इरेक्ट इमेज होगा, जबकि रियल जब भी होगा तो इनवर्टेड इमेज होगा, रियल इनवर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट सीधा, बिल्कुल सीधा इरेक्ट होगा। और ये है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। अब आप बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेजेस में फर्क क्या है। बच्चों रियल इमेज जैसे मैंने कहा, रियल इमेज की निशानी है कि रियल इमेज तरफ ऑब्जेक्ट हो उसी तरफ बनता है, जबकि प्लेन मिरर के अंदर आप देखें खड़े इधर हैं और आपको इमेज आपका आईने के पीछे नजर आ रहा है, जबकि कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के अंदर आपको आपका इमेज मिरर के सामने भी नजर आ सकता है और पीछे भी नजर आ सकता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज आपको मिरर के पीछे नजर आएगा। और जब भी इमेज मिरर के पीछे नजर आए तो वो कैसा इमेज है, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। और जब भी इमेज मिरर के सामने नजर आए दैट इज अ रियल इमेज। ये है रियल और वर्चुअल इमेज में फर्क। रियल इमेज की निशानी है कि वो हमेशा हमेशा क्या बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, मिरर वाली साइड जिस तरफ आप खड़े हो उसी तरफ बनेगा, जबकि वर्चुअल इमेज आईने के पीछे बनेगा। जैसे प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो हम यहां खड़े हैं और इमेज उतने ही डिस्टेंस पे लगता है जैसे मिरर के पीछे बन रहा है, दैट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा उसी साइड पे बनेगा जिस तरफ आप खड़े हैं। सो कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, जबकि कन्वेक्स हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। अब बच्चों बात करते हैं पोल की। पोल क्या चीज है, पोल क्या है, ये जो मिड है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ये जो मैंने हिस्सा लिया था स्फीयर का, इसका जो मिड पॉइंट है इसे क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, वर्टेक्स भी कहते हैं इसे, वर्टेक्स भी कहते हैं। सो द इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड सरफेस का आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, उसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। आधा हिस्सा कर्व्ड सरफेस का ऊपर आधा नीचे, दैट इज अ पोल। ये है पोल की डेफिनेशन। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल पार्ट का मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल। इसी तरह नेक्स्ट देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये है बच्चों कर्वेचर, ये कर्वेचर है। कर्वेचर क्या चीज है,
पार्ट ऑफ द सफियर, जो पार्ट ऑफ द सफियर हमने लिया था दैट इज ए कर्वेचर, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है पूरे पर हिस्सा। अब इसका जो सेंटर है, यही इसका सेंटर है, इसी को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब सेंटर ऑफ सफियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्वेचर कहां से अलहदा किया हमने, सफियर से अलहदा किया था, तो जो पूरे सफियर का सेंटर है वही इस हिस्से का सेंटर है। ऐसा ही नहीं है, क्या ऐसा मुमकिन है कि इसका सेंटर कहीं और हो, पूरे सफियर का सेंटर और हो? इस कर्वेचर का सेंटर और पूरे सफियर का सेंटर सांझा है, सेम है, एक है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ द सफियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का, इस कर्व सा, जो कर्व सी बन रही है, इसका सेंटर वही है जो सफियर का सेंटर है। नेक्स्ट बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस सफियर का है, जो रेडियस सफियर का है वही रेडियस कर्वेचर का है। सो रेडियस क्या होता है बच्चों, किसी भी पॉइंट से, हम यहां पॉइंट पोल ले लेते हैं, पोल से लेके सेंटर तक फासला, दैट इज अ रेडियस। सफियर के अंदर, सर्कल के अंदर जानते हैं हम, सेंटर से लेके कॉर्नर तक का फासला रेडियस कहलाता है। तो यहां पोल से लेके इस सेंटर तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कर्वेचर क्यों कहेंगे, क्योंकि पूरा सफियर तो हम ले नहीं रहे, हम कर्व्स ही ले रहे हैं, कर्वेचर ले रहे हैं, तो दैट द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सफियर का रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। लास्ट पे बच्चों हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये देखिएगा, ये सीधी लाइन जो किन दो पॉइंट्स को मिलाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस PAB कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों आज के हमारे जो पॉइंट्स, जो आज हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन देखी स्फेरिकल मिरर्स की, हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर फॉर्म, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, रियल एंड वर्चुअल इमेज, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें कवर की। डेफिनेशन मैंने आपको बोल दी हैं, बता दी हैं, आपकी बुक के अंदर मेंशन है, और कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग आपको खोल के रख दिया आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब भी कोई सवाल आपके जहनों में हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस पे डिस्कशन, और करेक्टरिस्टिक देखेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेजेस की। ये था आज का हमारा लेक्चर, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।